हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आज आपको कुरकुरे चटपटे जैसा मकई का पकोड़ा बनाने के लिए बता रहे। एकदम बिल्कुल कुरकुरा और अंदर से सॉफ्ट और बाहर से एकदम कुरकुरा, इस तरह से मकई का पकोड़ा बनाइएगा। बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट लगता है खाने में। इसके साथ तला हुआ मिर्ची मिल जाए और चटनी तो बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट लगता है खाने में। देखिए, 1 केजी लगभग मकई लिए हैं, ताज़ा मकई है। इस तरह से दाना को निकाल लेना है। देखिए देखिए, इस तरह से मकई को दाना सारा को निकाल लेना है एक कटोरा में। देखिए, सारा निकाल लिए और इसको 2-3 पानी से धो लिए हैं। अब इसमें मिक्सी के जार में लेकर थोड़ा थोड़ा करके पीसना है। इसमें पानी नहीं देना, नहीं पिसाएगा तो 2 से 3 चम्मच पानी डाल सकते हैं। देखिए, इस तरह का बैटर को बनाना है। अब इसको एक बल में निकाल लेते हैं कटोरा में। देखिए, इसको थोड़ा सा मोटा टाइप पर ही पीसना है। इसमें अब 5 से 6 हरी मिर्च है, 7-8 लहसुन का कली है, 1 चम्मच गोलकी है, 1 चम्मच जीरा है। अब इसको दरदरा पीस लेना है बिना पानी डाले। देखिए, इस तरह का पेस्ट बनाना है, एकदम बिल्कुल दरदरा सा। तब इस तरह से मसाला डालने से बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट लगता है। अब इसमें 1 कद्दूकस किया हुआ आलू डाल दे। देखिए, कच्चा आलू को 1 कद्दूकस करके रख लिए थे। देखिए, इस तरह आलू को कद्दूकस करके देने बहुत टेस्टी लगता है। 1 मीडियम साइज का प्याज भी काट लिए थे बारीक। 2 हरी मिर्च है वो बारीक काट लिए हैं। इसमें आलू कद्दूकस किया और प्याज डालने से बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट लगता है पकोड़ा। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिए। अब इसमें जो मसाला दरदरा सा कूट के रखे थे जब वो मसाला डाल दिए। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दे रहे हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। इसमें पानी नहीं डालना क्योंकि इसमें बिल्कुल पानी है, प्याज आलू और जो मकई का पीस के रखे थे। देखिए, इस तरह से सारा मिक्स कर लिए हैं। अब एक पैन में सरसों का तेल गर्म होने के लिए दिए थे। अब इस तरह से एक गोला बना लेना है और हल्का हाथ में इस तरह से चिपटा कर लेना है। देखिए, इस तरह से चिपटा कर लेना है। इसी तरह से सारा पकौड़ा को बनाना है। अब इसमें डिजाइन भी देना चाहते हैं तो इस तरह से इसको बर्रा के टाइप पर भी जो कहते हैं वो बना सकते हैं। आपको अपना अपना साइज में जिस तरह का साइज रखना है उस तरह का पकोड़ा बना सकते हैं। देखिए, इस तरह से एक उंगली डाल के इस तरह से फैला लेना है। थोड़ा सा ये डिजाइन बन गया। देखिए, एक तरफ से क्रिस्पी होने तक पकोड़ा पकने दे रहे हैं। देखिए, एक तरफ से पक गया है। अब इसको पलट कर दूसरे तरफ से भी पका लेते हैं। देखिए, अब इसको दूसरे तरफ से भी अच्छी तरह से पका लेते हैं क्रिस्पी होने तक। देखिए, इसको एकदम कुरकुरे पकोड़ा बनाना है, बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट लगता है। देखिए, मकई का पकोड़ा पक गया है। अब इसको एक इस तरह से झंझरा को ले लेना है और एक्स्ट्रा तेल को निकालना है। देखिए, क्या पकोड़ा लग रहा है देखने में, एकदम मार्केट के जैसा। अब इसी सरसों का तेल में 5 हरी मिर्च लिए हैं। इसको थोड़ा सा चाकू से चीरा लगा लिए थे क्योंकि मिर्ची चटकने लगी। अब इसको फ्राई किया हुआ मिर्ची को भी निकाल लेते हैं। आइए, आपको एक प्लेट में सर्व करके बता रहे हैं। बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट लगता है। देखिए, आपको बर्रा टाइप पर भी साइज हम दे दिए हैं। आप कोई भी साइज का पकोड़ा बना सकते हैं। देखिए, बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम है। देखिए, क्या पकोड़ा बना। एक बार इस तरह पकोड़ा बना के घर पर ज़रूर देखिएगा और इसके साथ मिर्ची फ्राई किया, बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट लगता है खाने। हरी चटनी किसी के चटनी के साथ खा सकते हैं। एक बार घर पर बना के ज़रूर देखिएगा, लग रहा है ना बिल्कुल अकेले खा जाए। देखिए, क्या लाजवाब पकोड़ा बना है, लगता है कि बिल्कुल अकेले खा जाएं। बड़े बच्चे सबको पसंद है इस तरह का पकोड़ा बना। थैंक यू।